हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में देखते हैं बिल्डर हॉल 9 को कैसे 3 स्टार करना है। ये है जी आज की पहली बेस, आइए इसको 3 स्टार करते हैं। हमने कॉम्बो में 36 बीटा मिनियन और 6 ड्रॉप शिप्स रखी हैं। कॉर्नर्स पर हमने ड्रॉप शिप्स को डिप्लॉय किया है ताकि ये कॉर्नर वाली बिल्डिंग्स को क्लियर करें। कॉर्नर्स क्लियर होने के बाद हमने बाकी के ड्रॉप शिप्स भी डिप्लॉय कर दिए हैं और ड्रॉप के पीछे बीटा मिनियंस को भी डिप्लॉय कर दिया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि सब डिफेंसेस ड्रॉप शिप्स को अटैक कर रहे हैं। बीटा मिनियंस ड्रॉप शिप्स के कवर में सब कुछ क्लियर कर रहे हैं। अब टाइम है कि हम बैटल मशीन को भी डिप्लॉय कर दें। बैटल मशीन को क्रशर के डैमेज से बचाना ज़रूरी है और बीटा मिनियन और ड्रॉप शिप्स को रोस्टर और एयर बॉम्ब्स के डैमेज से बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एयर बॉम्ब ट्रूप्स को फाड़ देंगे और रोस्टर इनको चिकन की तरह से रोस्ट कर देगा। रोस्टर का तो हमारे ट्रूप्स ने काम तमाम कर दिया था, लेकिन देखिए एयर बॉम्ब बीटा मिनियंस को कैसे तेज़ी से ख़त्म कर रहा है। अब हमारे पास बचा है हीरो, यानी कि बैटल मशीन, जिसकी हेल्थ फुल है। बैटल मशीन अपने हैमर से वॉल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और आखिरकार उसने वॉल ब्रेक कर ही दी। यहाँ यूज़ की है हीरो एबिलिटी। बैटल मशीन का हैमर अब थॉर का हैमर बन गया है, जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। और अब ये बैटल मशीन इस बेस को 3 स्टार कर रहा है। बैटल मशीन यहाँ फिर से अपने थॉर वाले हैमर के साथ रिमेनिंग बिल्डिंग्स को क्लियर कर रहा है। अरे, इन स्टोरेजेस को भी जल्दी जल्दी फिनिश करो यार। हाँ जी, तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से और कितने कम टाइम में इस बेस को 3 स्टार कर दिया है। आइए चलते हैं आज की बेस 2 पर। सबसे पहले रोस्टर और एयर बॉम्ब की पोजीशन को देखना है, तो आइए देखते हैं इस बेस को कैसे 3 स्टार करेंगे। एज़ यूजुअल, हमने पहले ड्रॉप शिप्स को डिप्लॉय किया है और बाद में बीटा मिनियंस को, और साथ ही डिप्लॉय किया है बैटल मशीन को। फ्रेंड्स, इस अटैक कॉम्बो में सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने ट्रूप्स को रोस्टर और एयर बॉम्ब के डैमेज से बचाना। एयर बॉम्ब का तो कर दिया है बीटा मिनियंस ने खात्मा, और बिल्डर हॉल को भी इस ज़मीन से मिटा दिया है। यहाँ पर बैटल मशीन ने रोस्टर को एंगेज किया हुआ है, जिसकी वजह से ट्रूप्स बच गए हैं, वरना सब बीटा मिनियंस मारे जाते। बैटल मशीन सच्चा सुपर हीरो है, उसने अपनी खुद की कुर्बानी देकर बीटा मिनियंस को बचाया है, और बीटा मिनियंस अब गिन गिन कर बदला लेंगे अपने हीरो का। डिफेंसेस में सिर्फ एक हिडन टेस्ला बचा है, जिस पर बीटा मिनियंस टूट पड़े हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छे काम में देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो ये है जी आज की बेस नंबर 3। आए इसको भी 3 स्टार करते हैं। पहले तो कुछ बीटा मीनियंस के साथ बाहर वाली बिल्डिंग्स को क्लियर करते हैं। इस काम के लिए एक एक बीटा मीनियन डिप्लॉय करेंगे और फिर करेंगे थोड़ा सा वेट, ताकि मीनियंस इन बाहर वाली बिल्डिंग्स को क्लियर करें। दिखने में छोटे हैं, लेकिन बीटा मीनियंस हैं बहुत डेंजरस। जुगनू के जैसे चमकते हुए वैसे काफ़ी क्यूट लगते हैं। यहाँ अब डिप्लॉय करना है बैटल मशीन को।
इसको प्यार से मैं थॉर बुलाता हूँ, इसकी हैमर स्ट्राइक की वजह से। बैटल मशीन AKA थॉर इस एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय करेगा और फिर रोस्टर को जाकर एंगेज करेगा। जैसे ही रोस्टर ने थॉर पर अटैक किया, हमने ड्रॉप शिप्स और बीटा मिनियंस को डिप्लॉय कर दिया। अब रोस्टर तो भैया लग गए बैटल मशीन को रोस्ट करने पे, लेकिन ड्रॉप शिप्स और बीटा मिनियंस रोस्टर को ही खा जाएंगे। ट्रूप्स तो लग गए हैं बिल्डर हॉल को तबाह करने पर। ट्रूप्स को अब खतरा था एयर बॉम्ब से, जिसको ख़त्म करेगा बैटल मशीन। ट्रूप्स को तो बचा लिया, लेकिन अब बैटल मशीन को भी बचाना था क्रशर से, लेकिन ऐसा ना हो सका और क्रशर ने बैटल मशीन को कर दिया है क्रश। बैटल मशीन ने एक बार फिर, जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर कुर्बानी देकर मिनियंस को बचाया है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बैटल मशीन कुर्बानी दे और बीटा मिनियंस उसका बदला ना ले। अरे अरे, कुछ एयर ट्रैप्स अभी भी तंग कर रहे हैं, लेकिन बीटा मिनियंस को मारने के लिए ये ट्रैप्स काफ़ी नहीं। अभी बीटा मिनियंस के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है और ये इन सब बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लो जी फ्रेंड्स, अब ये बेस भी हो गई है 3 स्टार। आइए चलते हैं अपनी आज की लास्ट बेस, बेस नंबर 4 पर। अरे यार, ये बेस तो 3 o'clock वाले कॉर्नर पर बनाई हुई है। सबसे पहले कुछ बीटा मिनियंस को डिप्लॉय करते हैं ताकि वो बाहर वाली बिल्डिंग्स को क्लियर करें, और उसके बाद डिप्लॉय करेंगे अपनी फुल आर्मी। मेरा मूड है इस बेस को जल्दी 3 स्टार करने का। वो ऐसा है ना कि मुझे बिल्डर हॉल में आर्चर्स वाले लंबे लंबे 3 मिनट के अटैक्स करने पसंद नहीं हैं। मैं तो ना खुद का टाइम वेस्ट करता हूँ, ना अटैक करने में दूसरे का, इसलिए यही कॉम्बो बेस्ट है। लग जा भाई बैटल मशीन, तू तो वॉल ब्रेक करने में, और बाकी के ट्रूप्स बिल्डर हॉल को डिस्ट्रॉय करेंगे। और ये बैटल मशीन ने वॉल ब्रेक कर ही दी। अब ये बेस बैटल मशीन और बीटा मिनियन से कैसे बच पाएगा? और रोस्टर ने एक बार फिर मिनियंस को छोड़कर बैटल मशीन पर आग बरसानी शुरू की है, जो कि उसको काफ़ी महंगी पड़ने वाली है। रोस्टर तो हो गया है ख़त्म, अब बारी है क्रशर की, और इस बार क्रशर खुद ही क्रश हो चुका है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको अब सब्सक्राइब कर लीजिए। लो दोस्तों, ये बेस भी अब होने चला है 3 स्टार। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन।